नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में हमारे पास अगारो ब्रांड का रीगल प्लस एयर फ्रायर है। घर के लिए, किचन के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। देखने में जितना सुंदर है, इसका कार्य भी उतना ही इफेक्टिव और अच्छा रहने वाला है। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग तैलीय पदार्थों से, फ्राई किए हुए भोज्य पदार्थों से बचते हैं, जैसे समोसा होता है, घर में पराठा अक्सर बनाया जाता है, जिनको ऑयल में ही फ्राई किया जाता है। लेकिन इस अगारो ब्रांड के रीगल प्लस एयर फ्रायर में बिना तेल के ही हम आपको समोसा पराठा तैयार करके आपको दिखाएंगे। साथ में यह रेसिपी बुक दी गई है। जो भी आप रेसिपी तैयार करना चाहते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहते हैं, इसमें आप देख करके कितने डिग्री टेम्परेचर पर हमको रखना है, कितने टाइम के लिए रखना है, सब कुछ डिटेल इसमें दी गई है। और यह यूजर मैनुअल गाइड है, इसमें दिया गया है कि कौन सा पार्ट किस यूज के लिए होता है। जैसा कि एक यह पार्ट देख रहे हैं, यह राउंड बास्केट है। इसको जब इसके अंदर लगाते हैं तो यह घूमता रहता है। जैसे आप पीनट को भी इसमें रख के पॉपकॉर्न तैयार करने के लिए भी इसी का यूज किया जा सकता है। जैसे यह पार्ट वायर रैक है, इसका यूज आप ब्रेड सेकने के लिए कर सकते हैं, चिकन या मीट को भी रोस्ट टोस्ट करने के लिए कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप अक्सर शकरकंदी का यूज करते होंगे, तो शकरकंदी को इसके ऊपर रखकर भी अच्छे तरीके से रोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यह फ्राइंग बास्केट है, इसका यूज आप समोसे को तैयार करने में कर सकते हैं, पकौड़ी तैयार कर सकते हैं, स्नैक्स तैयार कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी खाद्य पदार्थ जिसको आप कढ़ाई में तेल रखकर फ्राई करते हैं, आप तेलीय पदार्थ का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस आइटम को इसमें रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होकर मिलेगा। अभी आपको डेमो भी दिखाएंगे और आपको समोसा पराठा खिलाएंगे। और एक पार्ट यह होता है, बेक ट्रे है, इसमें आप रोटी सेक सकते हैं, समोसा भी इसमें तैयार कर सकते हैं, पीनट भी तैयार कर सकते हैं, कोई खाद्य पदार्थ आपको फ्राई करना है तो इस ट्रे का आप यूज कर सकते हैं। और जो हमारा रीगल प्लस प्रोडक्ट है, इस पर बहुत बड़ा टच पैनल आप देख रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सिंपल इसको यूज करना है। एक एक फंक्शन आपको दिखाते हैं। यहां पर ऑन ऑफ टच बटन दिया गया है, इसको यदि ऑफ करना चाहते हैं तो आपको यहीं से ऑफ करना होगा। ऑन करना है तो एक बार टच करेंगे तो पूरा पैनल ऑन हो गया है, लेकिन एयर फ्रायर अभी चालू नहीं हुआ है। चालू करने के लिए स्टार्ट बटन को टच करना होगा। आपका एयर फ्रायर चालू हो गया है। आपको जो भी तैयार करना है, यहाँ पर सभी रेसिपी लिखा हुआ है। जो भी आपको तैयार करना है, मान लीजिए टोस्ट करना है तो टोस्ट को आप टच करेंगे, रोस्ट करना है तो रोस्ट को आप टच करेंगे। यहाँ रोस्ट का इंडिकेटर आप देख रहे हैं ब्लिंक करने लगा है, और अब इसको यहाँ से चालू करेंगे। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपको पिज्जा बनाना है, तो यहां से एक बार इसको ऑफ करेंगे, पिज्जा के बटन को टच करेंगे, पिज्जा का बटन ब्लिंक करने लगा है, और अब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपने जो पिज्जा इसके अंदर रखा है वह आपका तैयार ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहां पर आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं कि टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस का है, और 16 मिनट तैयार होने में आपके पिज्जा को लगेगा। 16 मिनट के बाद एयर फ्रायर ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो इसी प्रकार जो भी आप तैयार करना चाहते हैं, उसी बटन को आपको टच करना है और यहां से एयर फ्रायर को चालू करना है। इनके अलावा यदि कुछ और भी आपको रेसिपी तैयार करनी है, जिसका आपको पता है कि कितना टेम्परेचर चाहिएगा और कितने समय के लिए चाहिएगा, तो आप मैनुअली भी यहां से सेट कर सकते हैं। और यहां पर काफी बड़ा सा हैंडल इसको क्लोज करने के लिए या ओपन करने के लिए दिया गया है, अंदर स्पेस भी काफी है। और सबसे पहले हम आपको पराठा तैयार करके इसमें दिखाते हैं। इसके लिए हम बेक ट्रे का यूज करेंगे। और यह चार समोसे भी इसमें रखते हैं। और ये दोस्तों समोसे आपके तैयार हैं, और ये देखिए ब्राउन कलर हो चुका है। और दोस्तों पॉपकॉर्न राउंड बास्केट में डाल दिए हैं और इसको इसमें सेट कर देते हैं।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अगारो ब्रांड का रीगल प्लस एयर फ्रायर 16 प्रीसेट के साथ 23 लीटर कैपेसिटी और 1800 वाट का यह एयर फ्रायर 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 220 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर और 60 मिनट तक का टाइमर सेट किया जा सकता है। और हीट प्रोटेक्शन डोर ओपन करने पर ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और इतने सारे फीचर के साथ कंपनी 2 ईयर की इसकी वारंटी भी दे रही है। और यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।